हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाया जी चैनल में। ये बहुत ही फेमस पिक्चर पजल है, आजकल व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे बहुत चल रहा है। क्या आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे? इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। पहले समीकरण से हमें जूतों की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे समीकरण में हमें जूते की वैल्यू है तो आदमी की वैल्यू मिल जाएगी, तीसरे समीकरण में हमारे पास आदमी की वैल्यू है तो चश्मे की वैल्यू मिल जाएगी, चौथे समीकरण में हमारे पास जूतों की वैल्यू भी है, चश्मे की वैल्यू भी है तो इससे बॉक्सिंग ग्लव्स की वैल्यू मिल जाएगी। बस इन सबको कंबाइन करने का है, इन सबको जोड़ के हमें हमारा फाइनल इक्वेशन के आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो क्या हम इसे सॉल्व करने की ट्राई करें? लेट्स स्टार्ट। पहला समीकरण है हमारे पास जूते, जिसमें तीन जोड़ी जूतों की है, विच इज इक्वल टू 60। तो 20 प्लस 20 इक्वल टू 60। तो एक जूते की वैल्यू हमारे पास आ गई 20, एक जोड़ी जूते की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। तो अब दूसरा समीकरण देखते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे पास 20 है और दो आदमी है, इक्वल टू 30 है। तो 20 में से 30 गया तो 10 बचता है, तो आदमी की वैल्यू हो जाएगी 5 और 5। अब तीसरा इक्वेशन देखते हैं। अब यहाँ से हम चश्मे की वैल्यू निकालेंगे। आदमी की वैल्यू हमारे पास है 5, चश्मे हमारे पास पता नहीं है, और यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गया 5 4 9। तो बचता कितना है? 4। तो 2 2 बच जाएगा चश्मे में। अब चौथा इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास जूते की वैल्यू 20 है, हमारे पास ग्लोव्स की वैल्यू है नहीं अभी तक, और चश्मे की वैल्यू है हमारे पास 2, तो इक्वल टू 42 हो रहा है। ठीक है, 42 हो रहा है। तो अब ये ग्लोव्स है, ग्लोव्स की वैल्यू कितनी होगी? ये एक ग्लोव्स है, देखेंगे तो अब एक ग्लोव्स है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 20 आ जाएगी। तो हमारे पास जूतों की वैल्यू आ गई, आदमी की वैल्यू आ गई 5, चश्मे की वैल्यू आ गई और एक ग्लोव्स की वैल्यू आ गई। तो हम इसे नीचे डाल देंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास पूरा इक्वेशन मिल जाएगा इसका आंसर। तब यहाँ पे देखेंगे जूता है, यहाँ पे दो एक जोड़ी जूता थे, अब यहाँ पे एक ही जूता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस, और चश्मा है यहाँ पे, गौर कीजिएगा ये मल्टीप्लाई है, चश्मे की वैल्यू है 2। अब ये आदमी की वैल्यू है तो आदमी 5, अच्छा इसने चश्मा भी पहना हुआ है तो चश्मे की वैल्यू 2, ओ इसने जूते भी पहने हुए हैं 20, अरे इसने तो अभी ग्लोव्स भी पहने हुए, एक ग्लोव्स की वैल्यू 20 है तो टोटल कितना होगा 40। तो इन सबको प्लस किया जाएगा तो कितना होगा 60 और 5 और 2, तो 67 हो गया इंटू 2, 67 इंटू 2 कितना होता है 134, और ये प्लस हो जाएगा 10, तो हमारा एक्चुअल आंसर आ जाएगा 144। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैंने गुना क्यों किया जोड़ने के बजाय, पहले मैं इसे जोड़ भी सकता था, अगर मैं इसे जोड़ता तो 10 प्लस 67 मतलब 77 आता, इंटू 2 करता तो 154 आंसर आता, लेकिन मैंने पहले गुना किया फिर मैंने इसको जोड़ा। इसकी वजह यह है कि एस पर बोडमास रूल, जो मैथमेटिक्स का रूल है BODMAS, हमें पहले मल्टीप्लीकेशन करना है फिर एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन करना है, इस वजह से मैंने आखिरी इक्वेशन में मल्टीप्लीकेशन किया हुआ है, गुना किया हुआ है जोड़ने के बजाय। तो दोस्तों इसमें सिर्फ इतना ही ट्रिक है कि आदमी ने काफी कुछ पहना हुआ है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा वैल्यू कुछ और ही आ जाता है। हम सिर्फ आदमी को 5 गिनते हैं, इसको 10 गिन लेते हैं और 5 प्लस 10 कितना हुआ 15, और इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय हम इसको प्लस कर देते हैं तो हमारा वैल्यू गलत आ जाता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पजल सॉल्यूशन, पजल का आंसर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।